हाँ जी बेटा जी, कहानी कुल्फी डिस्कस कर रहे सी आपां कि जदों लास्ट और लेखक ये दसदा आ कि बच्चा जड़ा आ तारिया नू देखदा होया सौ जांदा आ। वो कहिंदा कि तारे सारे रुपये आ, काश ये साडे कोठे ते आ जान। दूसरे दिन काम ते मैं अपने साथियों तो कुछ मंगण की कोशिश करता रहा, पर हिया ही नहीं सी पैंदा। हिया तो भाव है हौसला। मंगना बहुत औखा काम है, मौत जिन्ना दुख हुंदा है मंगण विच। अंडरलाइन करो, लेखक मंगण नू कादे नाल तुलना करता है मौत दे नाल। कहिंदा कि किसे कोलो मंगना जड़ा है वो मौत दे बराबर है। आखिर एक साथी कोलो 3 रुपए ले ही ले। जब घर आया तां काका दोपहर दी नींद ले रहा सी। रोटी खवाउंदिआं श्रीमती जी ने 3 रुपए मुछ ले। मुछ मतलब ले ले, उदे कोलों खो ले। अद मन लकड़ियां, शाम दी सब्जी, लून तेल आदि विच काके दे जागण तो पहला ही वो 3 रुपए मुक गए। जेडे 3 रुपए उन्हें अपने पति दे कोलों ले सी, वो ये सारिया चीजा ले आई सी। मैं कहा भी काके नू कुल्फी खवानी है, पर उन्हें कह छड़िया बड़ा उन्हू याद रहना, मैं टका दे छड़ांगी मुरमरे लई। पत्नी कहती है कि काके नू सुते पै नू कित्थे याद रहना, मैं उसनू मुरमरे खलाण लई टका दे देवांगी। काके जागदिया ही कुल्फी मंगी, चीक चिहाड़ा पै गया। कल वाला मुरमरा ते टका मंजूर नहीं सी। आखिर शाम नू कुल्फी खवाण दा वायदा करके छुटकारा पाया ते काके ने टका मेरे कोल जमा करवा दिता। शाम तो पहलों ही मैं खेडण दा बहाना करके निकल गया ते ढेर रात गुजरी मुड़िया। कहिंदा कि शाम तो पहला ही कहिंदा मैं बाहर निकल गया, जदों रात काफी बीत गई फिर मैं घर वापस आया कि वो जब तक काका जड़ा है वो सौ चुका होवेगा। काके नू सुता देख साह विच साह आया। साह विच साह आना सौखा साह आना। रोटी खवाउंदिया श्रीमती जी ने दस्या कि काका बड़ा चिर मैनू उड़ीकदा रहा सी। मैं काके दे नाल लम्मा पिया बड़ा बेचैन रहा, नींद आउंदी ही नहीं सी, पर आखर पता नहीं कदों आ गई। नींद ते आखदे ने सूला ते भी आ जांदी है। सूला मतलब बेटा जी कंडे। लेखक ये गल क्यों आखदा है, क्योंकि जदों व्यक्ति परेशानियां दे विच घिरिया होया होवे उस दा कोई वस ना चले ते फेर कहंदे ओ किते भी होवे किते भी पै जावे उसनू थकावट लाउण लई फिर जगह दी देखण दी लोड़ नहीं पैंदी। नेक्स्ट है पेज नंबर 16 दे उपर। अद्धी रात तो मगरों दा वेला सी। काका कुछ सुत्ता बेचैन जापदा सी। उस 2-3 बारी ढिड विच लत्तां मारियां सन, हुण उस बांह उल्टा के मेरे मुंह ते मारी। जागया तां मैं अग्गे ही होया सां, हुण चेतन हो गया। लेखक दे नाल ही उसदा बच्चा जिहड़ा सुत्ता पिया आ, कहिंदा वो मेरे लत्तां बाहां मारी जा रहा सी। काका कुछ गुड़गुड़ाया। अंडरलाइन दिस वर्ड। हुण काका जिहड़ा सी वो सुत्ता पिया गुड़गुड़ा रहा सी। मुंह दे विच बोली जाना गुड़गुड़ाउणा की बोलदा सी मैनू कुछ पता ना लगा। वो फिर उच्ची उच्ची गुड़गुड़ाया, कुफी कुफी जी कुफी। वो सुत्ता पिया नींद दे विच कुल्फी कुल्फी आख रहा सी, छोटा बच्चा। मैं बेहबल हो उठिया। बेहबल तो भाव है बेचैन। सरदार जी जागदे हो, उसकी पत्नी ने पूछया। श्रीमती ने आख्या ते ये जान के कि मैं जागदा हाँ उस जारी रखिया, खासमा खाना सुत्ता पिया भी कुल्फी मंगदा। ठीक है, ये गल कौन कहिंदा है, उसकी पत्नी गुस्से विच बोलदी है। खासमा खाना उसनू बुरा भला आखदी हुई बोलदी है, मेरे ते मानो बिजली पै गई सी। लेखक की कहिंदा, मैनू बहुत बुरा लगा। सवेरे जाग के काके कुल्फी दी कोई मंग कोई ना कीती। मेरे काम तो मुड़ के आउंदिया भी उस मेथों कुछ ना मंगिया। रोटी खा के मैं दोपहर दी नींद लैण लई लेट गया। वो चुभण वाली सफ उत्ते अते उधार ना लैण सकण दी असफलता ते झूरदा रहा। उधार मतलब बेटा जी उधार पैसे लैणे। स्टार्टिंग दे विच असीं एक सफ पढ़िया सी। सफ मैं तुहानू दस्सिया सी कि उह कह रहा सीगा कि उहदी सफ दी जिहड़ी पतीलियां आ उह चुभदियां पईआं आ। सफ हुंदी है चटाई। ठीक
ठीक है, जड़ियां तीलियां तो बड़ी होंगी है, उदे निशान जड़े उदे पिंडे दे लगे हुए सन, चुभ रहे सन। फिर कहना नींद आ गई, मेरी हाले नींद अडवाटे ही सी, अडवाटे मतलब अद विचकार के गली विच किसे कुल्फी वाले होका दिता, ठंडी ठार कुल्फी मजेदार कुल्फी, मैं जाग पिया काका मेरे लागे रबड़ दी पाटी बत्तक नाल खेड़ रहा सी, प्राणी कोई रबड़ दी उदा खड़ौना होना या उदे नाल वो खेडन लग पिया, दूसरी आवाज से उसके कन खड़े हो गए, कन खड़े होना मुहावरा है नोट करो, चौकन्ने होना, बत्तक नू सुट के ओ खड़ा होया, बूहे लागे जाके ओ खड़ा होके बाहर देखन लग पिया, मैं सोचिया हुण मैनू जगाउण आवेगा पर ओ उथे ही खड़ोता रहा, फिर ओ बाहर तुर गया, मैं शोपली शोपली उठ के बूहे ओले आ खड़ोता, शोपली शोपली दबे पैरी बिना आवाज कीतिया, कुल्फी वाला सामने शाह जी दे लड़के नू कुल्फी कढ़ के देण दे आहर विच सी, ठीक है उथे शाह दा मुंडा खड़ा सी ओ कुल्फी ले रहा सी, ए मुंडा गली दा बुली सी, बुली मतलब जड़ा गुंडागर्दी करदा होवे ते अपने तो छोटिया मुंडिया नू सदा कुटदा मारदा रहिंदा सी, ए कोई अठां तों वरियां दा सी, ओ शाह दा मुंडा किन्ने साल दा सी, 8 साल दा, ते साडे काके तों 3 कु साल वड्डा सी, काका सिपाहियां वांग लत्तां चौड़ियां करके लक पिछे हथ जोड़ी खड़ा सी, कुल्फी वाल उसने गौ नाल देखिया पर उस कुल्फी वाले भाई कोलों कुल्फी नहीं सी मंगी, गौ तो मतलब है ध्यान नाल, हुण काका भी जड़ा सी उत्थे जाके भाई दे लागे खड़ा हो गया, ज्यों ही कुल्फी वाले ने शाह दे मुंडे दे हाथ ते कुल्फी दी प्लेट रखी, काका धुस दे के उसनू पै गया, काके ने उसनू धक्का मारिया, औ गई प्लेट औ गई कुल्फी, फलूदा ते चमचा ते मोरी विच डिगा शाह दा मुंडा, हुण उस छोटे काके दे विच इन्ना जोश आ गया कि उसने उस शाह दे मुंडे नू जो कि उस तो वड्डा सी उसनू धक्का दे के सुट दिता, किसे जेतू वांग काका उसदे वाल वेखदा रहा, शाह दा मुंडा गुस्सा खा के उठिया, कुल्फी दा नुकसान ते अपनी हेठी उसनू जिवें नवा जोश दे रही सी, ठीक है जी, ते ओ अपने अंदर एक नवा जोश जड़ा सी ओ भरिया महसूस कर रहा सी, क्यों, क्योंकि उसने कुल्फी वाला दे भाई दे सामने शाह दे मुंडे नू धक्का दे के सुट दिता सी, ज्यों ही ओ उठिया काके ने फिर उसनू एक ऐसी ढुड मारी कि ओ फिर मोरी विच जा डिगा ते चीका मारन लग पिया, कुल्फी वाला काके नू चपेड़ लेके पिया, मैं नस के काके नू चुप लिया, कुल्फी वाले ने शाह दे मुंडे नू उठा लिया, लेखक ने अपने मुंडे नू चुक लिया ते कुल्फी वाले ने शाह दे मुंडे नू, शाणी जो कि किसे दा कोई उलांभा नहीं सी सुनदी अज साडे उलांभा देण आई सी, काके दा शरीर भख रहा सी, श्रीमती ने कहा आ खसमा खाणिया तू लगा हुणे उलांभे लियाउण क्वेश्चन मार्क, ए गल लेखक दी पत्नी कहिंदी है कि ओ छोटा जिहा है बच्चा साडा ते हुणे ही घर उलांभे लैके आउण लग पिया है ते मारन लई चपेड़ उगारी, उगारी मतलब चुकी, मैं कहा कुछ वंड सुदैणे कायर प्यो दे घर बहादुर मुंडा जम्मिया, अखीर दे विच लेखक जड़ा आ ए शब्द बोलदा है, इनू अंडरलाइन करो, ए क्यों बोलदा, ए इस लई बोलदा क्योंकि लेखक जड़ा सी ओ आप सारी उम्र डर दे विच कायरता दे विच अपने हक्कां नू नहीं सी मंग सकिया, ठीक है, ते गरीबी दे विच ही उन्हें घट तनखाह च गुजारा किया।